असलियत को आप अभी देखिए इस कठपुतली के खेल में कंचन की कहानी के रूप में। राम 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 बहन जी। आज सब बहन आ गई? नहीं, राधा बहन नहीं आई आज। क्यों, राधा बहन को क्या हो गया? राधा बहन मेहमान आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आज अपन क्या करें? कहानी सुनेंगे बहन जी आज। तो आज फिर अरुणा बहन की कहानी सुन लेते हैं। नहीं, 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 आज तो आपकी कहानी, आप अपनी कहानी सुनाइए। अरे भाई, अपन ने अभी तो बहुत लोगों की कहानी नहीं सुनी, मैं तो फिर कभी सुना दूंगी। सरजू की नहीं सुनी, अरुणा की नहीं सुनी। नहीं नहीं, आज आपकी सुनेंगे। तो आज तुम सोच के ही आयो कि मेरी कहानी सुनाओ। आज हम आपकी सुनेंगे, तो फिर मैं सुनाती हूँ भाई। सुनाओ आप। तो ऐसा, जब मेरा जन्म हुआ ना, तो मेरे घर में बहुत दुख मनाया कि लड़की हो गई, तो इसी मारे फिर मेरी जल्दी शादी कर दी। मैं 7-8 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई। मैं कुछ जानती भी नहीं थी शादी क्या होता है। जब मैं बड़ी हुई तब मेरा गौना हुआ, तब मुझे पता पड़ा कि शादी क्या होती है। क्या है? खाना खा लो। भूख नहीं है, नहीं खाना मुझे। खाना खाना खा लो ना, ठंडा हो रहा है। ओहो, मैंने कह दिया ना मुझे खाना नहीं खाना। इसके अलावा और भी कुछ जानती है? पता नहीं कैसे जिंदगी चलेगी, ऐसा पता होता तो शादी भी नहीं करता। अनपढ़ गंवार कहीं की। तो मुझे आप पढ़ा लो ना। आप मुझे पढ़ा लीजिए ना, अपने बाप के यहाँ से पढ़ के आती मैं दूसरी शादी करूंगा। कम से कम पढ़ी लिखी आएगी तो मेरे साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी, कमाएगी मेरे साथ। अब गुस्सा थूक भी दो, खाना खा लो ना। बस बस, बहुत हो गया। खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए। एक ही बात की रट लगाई रहती है। अरे कम से कम समझदार आती तो अच्छी दूसरी बातें करती। कुछ आता ना जाता, तू मेरी जिंदगी क्यों खराब करने तुली हुई है? मुझे सब कुछ तो आता है। पापड़ बनाना, मुंगोड़ी बनाना, अचार बनाना, खाना बनाना। पापड़ बनाना, मुंगोड़ी बनाना, अचार बनाना, ये सब कुछ बनाना तो तेरे बाप के यहाँ जाके बनाना, समझी? चली जा अभी इसी घर, इसी वक्त। राजू। हाँ पिताजी। ये क्या शोरगुल हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी। इधर आओ। आया। क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, ये मेरी कुछ भी बात नहीं सुन रही है, ना समझती है, अनपढ़ कहीं की। अरे औरतों को पढ़ लिख के करना ही क्या है? औरतें घर का काम काज कर ले, बच्चों को संभाल ले, बस। पिताजी आप मेरा मतलब क्यों नहीं समझ रहे? हम सब कुछ समझते हैं, तुम्हारी माँ भी तो अनपढ़ है ना, सारे घर का काम करती है, सब काम ठीक चल रहा है। ओहो पिताजी, आपके हिसाब से हो सकता है। आप देखिए ना, पड़ोस में कैलाश है, अभी उसने शादी किया है। आते ही दोनों मियां बीबी कमा रहे हैं, उनके घर में रेडियो है, टेलीविजन है, सब अपना ऐश की जिंदगी जी रहे। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारे घर की बहू बाहर नौकरी करने जाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता तो मैं इसको कभी नहीं रखूंगा। क्या बकता है बदतमीज, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। यदि आपके खानदान की इज्जत का सवाल है तो आप इसको यहाँ रखिएगा, मेरी भी जिंदगी का सवाल है। तुमको जाना है तो जाओ, ठीक है? बहू यही रहेगी। ठीक है, आप इसको यहीं रखिएगा, मैं इसके साथ मेरी जिंदगी खराब नहीं करूंगा, मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, इनको रोक लीजिए, मैं ही चली जाऊंगी घर। पर कंचन,
तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? ऐसे ही आ गई माँ। ऐसे कैसे आ गई? कोई साथ में आया तेरी? नहीं माँ, ना तो कोई आया ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? तूने कुछ गलती की होगी माँ। नहीं माँ, वो लोग कहते हैं तू अनपढ़ गंवार है, तो मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं दूसरी शादी करूँगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है, बहुत सारा माल दिया उसको, वो बहुत खर्चा लगाया तेरे पीछे, ऐसे कैसे हो सकता है? माँ वो तो यही कहते हैं। अच्छा चल ठीक है, तो अंदर चल, मैं तेरे पिताजी को कहूंगी, वो समझाएंगे। ओ दीदी, ओ दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी 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 आ गई। अरे क्या दीदी दीदी कर रहा, तू तो स्कूल जा, चल। मैं नहीं पढ़ूंगा स्कूल में। तेरे को पढ़ना पड़ेगा। कैसे नहीं पढ़ेगा? वो मास्टर जी मारते हैं, मुझे क्यों पढ़ना पड़ेगा? तू लड़का है इसलिए। मम्मी मम्मी, मैं भी भैया के साथ स्कूल पढ़ने जाऊंगी। तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम घर का काम करो, चलो। क्यों, मैं क्यों नहीं पढ़ सकती? नहीं, तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें खाना बनाना सब्जी बनाना जरूरी होता है। मैं मंदिर जा रही हूँ, चलो। रो मत, अपन दोनों चलेंगे, वहाँ पास में बहन जी रहती ना, उनके पास पढ़ने हैं। तू भी पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगी। मम्मी डांटेगी तो? क्यों डांटेगी, घर का काम कौन करेगा? अपन दिन में घर का काम कर लेंगे और शाम को पढ़ने चलेंगे। तो चलो चले। चल चलते हैं। कंचन तुम कैसे आ गई इतनी जल्दी? बहन जी ऐसे ही आ गई, मेरा आदमी कहता है कि तू अनपढ़ है, गंवार है, इसलिए मैं तेरे को नहीं रख सकता, दूसरी शादी करूंगा। तो मैंने सोचा कि हम सब आपसे पढ़ेंगे बहने मिलके। हाँ बहन जी, सही बात है बहन जी। तुमने बहुत अच्छा किया कंचन, जो तुम यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आ गई। हाँ बहन जी। बहन जी मेरे को मेरी मम्मी पढ़ने नहीं भेजती और भैया को भेज देती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और कंचन तुम्हारा सोच बहुत ही अच्छा है, हम सबको पढ़ने की बहुत ही जरूरत है। हाँ। और इतनी सारी तुम बहनों को साथ लेकर आयो, ये बहुत खुशी की बात है। हम भी पढ़ेंगे जरूर, मैं तुम सबको पढ़ाऊंगी। हम तो कैसे सामान निकाल के आए बहन जी, हम ही पढ़ना चाहते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया, दिन में थक हार के भी तुम रात को मेरे पास पढ़ने के लिए आयो, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं तुम सबको जरूर कुछ सिखाऊंगी, जरूर कुछ पढ़ाऊंगी। तो फिर ऐसे मैंने वहाँ पे बहन जी के पास जाके पंचायत में सारी बातें सीखी कि महिला के अधिकार क्या हैं, मजदूरी कितनी मिलती है, इस तरह की हम सारी बातें करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे फिर हम सब सीख गए, उसके बाद मैं यहाँ पे पंचायत चलाने लगी तुम्हारे साथ। तो फिर उन बहन जी का क्या हुआ? उन बहन जी का फिर ट्रांसफर हो गया, वो तो चली गई। अच्छा, तो तुम इतने होशियार हो गए बहन जी। तो अब यहाँ पे भी अपन सब हो गए ना एक साथ, अपन सब भी तब बात कर सकते हैं। मैं चली जाऊँ तो भी बात हो सकती है यहाँ पर। अगर कंचन बहन आपका पति आपको लेने आ जाए तो आप उनके साथ जाओगी? नहीं, मैं उसके साथ क्यों जाऊंगी, वो तो बहुत लालची था, तो मुझे भी तो कहता था पैसा कमाती और ये करती वो करती, इसीलिए तो मेरे को छोड़ दिया था उसने, तो मैं उसके साथ क्यों जाऊँ। कंचन ने अनपढ़ होने की कमी को हिम्मत और आत्मविश्वास से दूर किया, यही नहीं दूसरी औरतों को प्रेरणा भी दी और खुद पढ़ाना शुरू किया। अनपढ़ होना, विकास के पूरे अवसर में नहीं मिलना, इस प्रकार की कई सामाजिक बुराइयों को आत्मविश्वास और हिम्मत से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार की कई शारीरिक बीमारियां भी होती हैं, वह बचपन में दुर्घटना होने या बीमार होने के कारण हो जाती हैं, पर यदि समय से टीके लगवाए जाएं तो इस प्रकार की बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे लकवा मारना, आँखों से अंधे हो जाना। ज़रूरत इस बात की है कि जब शारीरिक कमियां हों तो समाज और परिवार उनकी मदद करे ताकि उन्हें अपनी ये कमियां महसूस न हों। एक अपंग व्यक्ति को भी विकास के पूरे अवसर मिलने चाहिए ताकि वह समाज और परिवार पर बोझ न बने, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सके इस सबके विकास में। एक साधारण से कैलिपर की मदद से इस लड़की को कितनी सुविधा हो गई है, यह घर में भी काम करती है और स्कूल भी जाती है। मध्यरात्रि चांदना तो ठंडी वाजते, न कोई कृष्णा रंगटा
भीजते नगरे कृष्णा रंगटा पूज नरी भीजते। कभी भी आपको अंदेशा लगे कि आपके बच्चे को कुछ समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपका बच्चा विकलांग है तो हेल्थ वर्कर या डॉक्टर से पूछें कि कैलिपर या इस तरह की अन्य सहायता कहां से मिल सकती है। हर तरह से विकलांग बच्चों की मदद करें ताकि वे परिवार और समाज में आम सामान्य बच्चों की तरह अच्छी तरह अपना जीवन बिता सकें और उनके साथ घुल मिल सकें। यह है राजस्थान का एक गांव। औरतें जब शाम को लकड़ी लेके लौटी तो देखा कि गांव में औरतों की मीटिंग हो रही है। इसमें बहन जी ने बताया कि उदयपुर जाना है, वहां जो औरतें अगुवाई करती हैं उनकी सेवा मंदिर में एक मीटिंग है। कैंप में बहुत सी औरतें अलग अलग गांवों से आईं। पहली बार गांव से निकली तो थोड़ा डर, थोड़ी झिझक, पर जल्दी ही आपस में घुल मिल गईं। ये बात अपन एक लिस्ट बना लेते हैं कि अपन मन में सोच करके आए थे। जैसी मार साहब ने बात बताई होगी आपको, खेम जी ने बात बताई, इन्होंने चुंदिला जी ने बात बताई होगी, सबने अपनी अपनी समस्याओं पर बात शुरू करी। किसी ने बताया पानी की कमी है, रोजगार नहीं मिलता, गांव में बालवाड़ी शुरू करना है, मजदूरी कम मिलती है। पहली बार जब मीटिंग में आते हैं तो लगता है यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। आपको वहाँ पे अभी जैसे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, अभी मीटिंग होगी ना, तो आप में से कौन बोलेगा? आप बोलोगे? बोल जाएंगे तो आप क्या बोलोगे? ये तो काम हुआ और बोलना पड़ेगा कि अकाल का काम शुरू करवा, है ना? एक बार 40 शेर याद आएगा, एक बार बकरी याद आएगा, तो बकरी ने 40 आई फांसी तो बकरी वाला का फूट भरेगा, और शेर ने चलिए मान लो शेर अटू चल सके, शेर अटू क्यों चल सके। बातचीत के साथ साथ कुछ खेल से मनोरंजन तो हुआ ही, पर बहुत सी फायदे की बातों का भी पता चला। हरूड़ी बाई का कहना है कि मीटिंग में जाने से हम सब आपस में जुड़ गए, अपनी जरूरतों के बारे में बात करी। हमने तो मजदूरी की मांग रखी थी। क्या मांगे थी आपकी? गलत मजदूरी मांगी ही, मतलब मजदूरी मांगी। हाँ एक सब खाद
आप आज ही आए? जी आज ही आई मैं। कहाँ गए थे आप? सेवा मंदिर में गई थी। वहाँ क्या किया आपने? वहाँ तो खूब सीखा हमने। गुलाबी बाई कहती है कि वहाँ पर हमें नए रास्तों का पता चला और उन पे चलने से हमें बहुत फायदा है। ये वो मतलब दबाते हैं इसके लिए, ये इस रास्ते से सालो, इस रास्ते से सालो, यूं करके हमने बताया कि जो लोग दबाते हैं उनसे आप छूट सकते हैं। जी अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस रास्ते पे चलने से कुछ फायदा मिलेगा? फायदा जरूर मिलेगी। नानी भाई आप नाम है आप सेवा मंदिर सेंटर महिला सेंटर चले? हाँ। करो सेंटर में जाए। अब बालवाड़ी से लाड़ा जो कवरे कवरे। बालवाड़ी में क्या करते हो? बालवाड़ी चलाते हो? कितने बच्चे आते हैं? 20 बच्चा। ये बच्चे स्कूल नहीं जाते? बेचारी स्कूल कटो जा छोटा छोटा ये कहीं स्कूल जाए? ये बालवाड़ी में आते हैं। नानी बाई ने बालवाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली और आज अपने गांव में बालवाड़ी खुद चलाती हैं। यहां पर बच्चों को खाना दिया जाता है जिसका आधा पैसा सेवा मंदिर वाले देते हैं और बाकी बच्चों के घर से अनाज मिलता है। आप लेते हो बच्चों? अभी अब आपके तो मीटिंग हुई है, क्यों हो रही है? अब संगम में जाने की तैयारी है। ऐसी मीटिंग में जाने से बहुत सी औरतों से मिलने का मौका मिलता है, उनकी बोली सीखते हैं, आपस में उठना बैठना सीखते हैं। यही वजह है कि आज नानी बाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। उदयपुर के आसपास के गांवों से जब 200-300 औरतें संगम में भाग लेती हैं, तो आपस में उठने बैठने का, एक दूसरे के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। जब इतनी सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, तो हौसला बढ़ता है और हिम्मत आती है। वे बड़े से बड़े आदमी के सामने बेझिझक सारी बातें रखती हैं। पैसा नहीं मिल गया? पैसा नहीं मिल गया फिर अधूरो हो गयो। Oh, my God.